आप यखुतपुरा के एंट्रेंस के पास खड़ा हुआ हूँ। ये इलाका धर्मवन जूनियर कॉलेज इसके बाजू का इलाका है। पहले यहाँ पे सूरज टाकीज हुआ करती थी और अब यहाँ पे आप देख रहे हैं झंडे लगे हुए हैं और लोग सेलिब्रेशन में बराबर के शरीक है। पूरी दुनिया में कोई और ऐसा इलाका नहीं जहाँ पे आपको ऐसे जश्न के मनाजर देखने को मिलेंगे। अल मदीना एजुकेशन सोसाइटी के यूट्यूब के चैनल से अभी हम यहाँ से आपको ये लाइव मनाजर दिखा रहे हैं। इस वक्त जैसा कि आप देख रहे हैं रात के 11:30 बज रहे हैं लेकिन रौनक में और ट्रैफिक का आलम है। मुइन साहब हमारे कैमरामैन साहब से दरख्वास्त करूंगा कि ट्रैफिक की तरफ जो है अपना कैमरा घुमाएं और कैमरे की आंख से लोगों को दिखाएं कि उम्मत मुस्लिमा जो है जश्न में इतनी बराबर की शरीक है। रात के 11:30 बजे का मंजर है लेकिन आप देख सकते हैं कि लोग जश्न में बराबर के शरीक है। छोटे छोटे बच्चे जैसा कि आप देख सकते हैं जश्न में बराबर के शरीक है। पूरी दुनिया के मुसलमान इस वक्त आपको देख रहे हैं यूट्यूब के जरिए इंटरनेट के जरिए और हम ये लाइव कवरेज कर रहे हैं। पूरी दुनिया में ये मनाजिर जा रहे हैं। याकूतपुरा में ऐसा आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे ये गाड़ियों पे देखिए लोग जश्न में निकले हुए हैं और इस तरीके से हम जो है ना यहाँ पे आपको बता रहे हैं। पूरी दुनिया में कोई इलाका ऐसा नहीं, कोई दुनिया का ऐसा इलाका नहीं जहाँ पे ऐसा जोश होता हो। मैं याकूतपुरे के मुसलमानों को सलाम करता हूँ। ऐसा कोई दुनिया में जगह नहीं जहाँ पे ऐसा सेलिब्रेशन किया जाता हो। लेकिन आप जैसा देख सकते हैं ये लोग खुली जीपों में इस तरीके से जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपने माल अपनी दौलत अपने वक्त को निकालते हुए शरीक है। पूरी दुनिया में ऐसे मनाजर आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। ये याकूतपुरा ओल्ड सिटी का इलाका जहाँ से आप इस वक्त लाइव है अल मदीना एजुकेशन सोसाइटी आपको पूरी दुनिया में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिखा रहे हैं। आपको बहुत बहुत मुबारक, आपके जोश को सलाम, आपको सलाम, पूरी दुनिया आपको देख रही है। अल्लाह हाफिज। पे झंडे लगाए जाते हैं, गाड़ियों पे झंडे लगाए जाते हैं और इस तरीके से जो है घरों पे झंडे लगाए जाते हैं और इसी तरीके से छोटे छोटे बच्चे जश्न में शरीक होते हुए झंडों को हिलाते हुए नारे लगाते हैं। इस तरीके से जश्न का सिलसिला जारी रहता है। पूरी दुनिया में ऐसा मनाजर आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे। और इस तरीके से मोहम्मद सरवर साहब की दुकान है, इनके हाथ में देख रहे हैं जश्न मिलादुन्नबी का झंडा। इनके जोश का यह आलम है, इन झंडे को हिला रहे हैं और पीस का अमन का चैन का पैगाम पूरी दुनिया को देना चाहते हैं। अल्लाह हाफिज नासिर, अल्लाह हाफिज। यहाँ पे मैं अभी याकूतपुरे के यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ। जोरा बीबी की दरगाह यहाँ पे कहलाती है। यहाँ पे गाड़ियों के मंजर आप देख सकते हैं। मैं अपने कैमरामैन मोइन साहब से दरख्वास्त करूँगा अल मदीना एजुकेशन सोसाइटी के इस गाड़ी को दिखाइए कि मुसलमानों का जोश इस तरीके से गाड़ी को सजाया है और जिस तरीके से जो है इन्होंने अपने जोश को दिखाया है। मैं इनको सलाम करता हूँ, ईद की मुबारकबाद देता हूँ। मैं हमारे कैमरामैन साहब से दरख्वास्त करूँगा कि इनका चेहरा भी पूरी दुनिया को दिखाइए, इनका चेहरा भी पूरी दुनिया को दिखाइए ताकि दुनिया के मुसलमान देखें और जश्न में बराबर के शरीक हो। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये एक ऐसी जगह है पूरी दुनिया में कोई इलाका इसका मुकाबला नहीं कर सकता। पूरी दुनिया में ऐसे कोई मनाजर आपको देखने को नहीं मिल सकते। और मैं तमाम दुनिया के मुसलमानों को ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड कनाडा जहाँ जहाँ हमारी यूट्यूब की रिकॉर्डिंग जा रही है इन तमाम की तरफ से मुबारकबाद देता हूँ। अब मैं इनसे बात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पूरी दुनिया को आप कोई मैसेज देना चाहते हैं? आप गाड़ी को बहुत खूबसूरती सजाएं, देख के तबीयत खुश हो गई अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हम इनके लिए हमारी जान दे सकते हैं, आला हजरत कुर्बान के ऊपर से सारी दुनिया कुर्बान है। सब मुसलमान लोग ऐसे ही खुशियाँ मनाए ये तो कुछ भी नहीं है। हम तो बहुत कुछ कर सकते हैं मगर अल्लाह ताला हमारे को जितनी जकत दे हम तो उतना ही करें। हमारा बस चला तो सारी दुनिया को पूरी रोशनी से भर देंगे हम। बहुत माशाल्लाह आपके घर के तमाम छोटे छोटे बच्चे इसमें शरीक है। अल्लाह हाफिज। आपको तकलीफ दी है, माफी चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।